Again, welcome to all of you. My name is Suresh Kumar Pandey, and here are some more questions. अब हम सॉल्व करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाले कुछ क्वेश्चन, ठीक है? तो जैसे आपको दिया है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ देसी मोलर यूरिया सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड. देसी मोलर यूरिया विलयन का परासरणीय दाब निकालना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर. तो परासरणीय दाब का हमारा फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सबसे पहले हमको दिया क्या है? हमको दिया है टेम्परेचर. कितना दिया है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड. इसमें तुरंत ही हम 273 ऐड करके इसको तुरंत हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? केल्विन में. तो टेम्परेचर हमारा हो गया केल्विन में. और क्या दिया? डेसी मोलर. तो डेसी मोलर मतलब मोल, कितना मोल हो गया किसका? यूरिया का. यूरिया सॉल्यूशन, यूरिया का विलयन है, तो यूरिया इसमें हो गया सॉल्यूट यानी विलेय. तो उसके कितने मोल हो गए? यूरिया का दिया है, मोलैरिटी दी हुई है. मोलैरिटी किसकी? यूरिया की. कितनी? 1/10 मोलर. ठीक है, तो ये वाली बात हमको पता चल गई. 1/10 को आप 0.1 मोलर भी कह सकते हैं. 0.1 मोलर मतलब 0.1 मोल पर लीटर, यानी एक लीटर में 0.1 मोल है किसके? यूरिया के. ठीक, तो फॉर्मूला हमारा क्या था? फॉर्मूला यह हमारा था पाई इज इक्वल टू एम आर टी. तो हमें क्या निकालना था? पाई निकालना था. एम हमको पता है, टी पता है, और आर, आर यहां पे रखेंगे आप 0.0821, कहीं कहीं 8.314 भी रखा जाता है. तो वो यूनिट्स में जो कन्वर्जन है वो आप देख लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग होते हैं ये. ठीक है, तो यहां पर 0.0821. ठीक है, अच्छा, उसकी एक क्लास हम ले लेंगे, उसको हम बता देंगे. हमने 11th में बताया था, ठीक है, बट इसकी एक क्लास ले लेंगे. गैस कांस्टेंट आर की, कहां 8.314 होगा, ठीक है, कहां 0.0821 होगा, उसकी हम एक क्लास लेकर उसको अच्छे समझा देंगे. ठीक है, अच्छा, तो यहां पर क्या है? तो यहां पे हम वैल्यू रख देते हैं. तो मोल, मोल कितना था? 0.1, ये हो गया 0.0821, और टेम्परेचर कितना था बेटा आपका? 300. उसको आप कैलकुलेट कर ले, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो ये 1020 कट जाएंगे, तो एक यहां से चला जाएगा और एक यहां से चला जाएगा, यहां पे आ जाएगा. अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 2.6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो याद, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है? ऑन डिजॉल्विंग 12 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ H2O, यानी 100 ग्राम पानी में हम 12 ग्राम ग्लूकोज को हम घोल देते हैं. एलिवेशन, एलिवेशन मतलब बढ़ोतरी, इंक्रीमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट. ये बॉइलिंग पॉइंट हमने शॉर्ट में लिखा हुआ है. बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक. क्वथनांक में जो बढ़ोतरी हो रही है कितनी है? 0.34. यानी ये क्या है? ये बॉइलिंग पॉइंट में चेंज है, क्वथनांक में बढ़ोतरी हो रही, तो इतने की बढ़ोतरी हो रही है, इतने का चेंज हो रहा है. जैसे मान लीजिए पानी का बॉइलिंग पॉइंट हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? 100 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, तो पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब क्या हो गया? अब 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया. ठीक है, तो 100 से 100.314 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने का चेंज आया? दोनों को आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 0.34 का, तो 0.34 का डिग्री सेंटीग्रेड का क्या है? चेंज है. तो ये चेंज है, इसको आप लिखोगे डेल्टा टी. ठीक है, और किसमें चेंज था? बॉइलिंग में, तो इसको हम बी से,
कितने का है 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और हमें सॉल्यूट हमारा क्या है, ग्लूकोज, तो ये कितना था 12 ग्राम, ठीक है। सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर, कितना है 100 ग्राम, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, केवी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा पीबी इज इक्वल टू के बी एम, याद आया। ये केबी जो होता है इसे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं, और अगर केएफ होता तो मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट। इसकी एक डेफिनेशन होती है, वो डेफिनेशन हम आप लोग को बता देंगे, ठीक है। समटाइम्स पूछ ली जाती है एक नंबर में, तो हम बता देंगे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है और मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। अभी यहां पे देखते हैं, तो मोलैलिटी आप निकाल लेंगे, ठीक है। के भी हमें निकालना है, डेल्टा टी भी हमें दिया है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहां पर, डेल्टा के भी निकालना है, के भी को इधर कर लेते हैं, और ये हो जाएगा डेल्टा टी भी एम, ठीक। अब मोलैलिटी निकाल लेते हैं, पहले सीधे वैल्यू पुट कर देंगे। तो मोलैलिटी हमारी क्या हो जाएगी, मोलैलिटी हो जाएगी हमारी मोल्स किसके, सॉल्यूट के, डिवाइड में वेट किसका, सॉल्वेंट का। यही एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें सॉल्वेंट नीचे आता है, और किसमें यूनिट किसमें होगी, केजी में, किलोग्राम में रखोगे, ठीक है। तो इसको रख लेते हैं, वेट हमको पता है, ये वेट किसमें था, ये ग्राम में था, सॉल्वेंट का वेट हमें ग्राम में दिया है, तो इसे केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 से डिवाइड कर देना, और यहां पे क्या है, यहां पे हमारा डब्ल्यू है, ये ग्लूकोज यानी विलेय का है 12 ग्राम। तो मोल निकालने के लिए ये इसको तोड़ लो, नंबर ऑफ मोल्स को तोड़ लो, वेट अपॉन मोलर वेट, ये सॉल्यूट है तो सॉल्यूट का वेट और सॉल्यूट का मोलर वेट, तो सॉल्यूट का मोलर वेट, तो सॉल्यूट का अभी मोलर फॉर्मूला पता होना चाहिए, सॉल्यूट क्या है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है। आप निकाल लें कितने हैं, 6 कार्बन, 12, फिर 12 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1, 6 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16, या आप करेंगे आ जाएगा 180, ठीक। तो सॉल्यूट का मोलर वेट कितना है, 180, ठीक। और सॉल्वेंट का वेट हमें दिया है कितना, 100, ठीक है। और ये ग्राम में, इसको किलोग्राम में बदलोगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। और इस वेट की वैल्यू हमें दी है कितनी, 12। अब इसे आप सॉल्व कर लें, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो बचेगा 1/10, 10 चला जाएगा ऊपर, तो जाएगा 12/18, 12/18। अब इसे चाहे यहां सॉल्व कर ले, चाहे रहने दे, भाई 0-0 था, ये जीरो कर गया, इतने ऊपर चला आया था, तो 12/18 यूनिट क्या हो जाएगी, मोलल। इसको हम यहां पैसे रख देते हैं, सीधे हम यहां पुट कर देंगे, तो अब क्या हो जाएगा, अब हमारा इसको हम हटाते हैं, मोलैलिटी हमें मिल गई, के भी निकाल लेते हैं यहां से, तो के भी हमारा हो जाएगा, डेल्टा टी भी कितना था, 0.34। मोलैलिटी कितनी है, मोलैलिटी है हमारी 12/18, तो हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 18, जो डिवाइड में था वो ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और इसे आप क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, तो ये 0.51, ठीक। तो ये हमारा कॉन्स्टेंट आ गया, ठीक है। थैंक यू।